नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया में पूर्वांचल अपडेट। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 का आने वाला है, जिसको वहां पर इस चुनाव को लेकर बहुत ही तेज़ी से गतिविधियां शुरू हो गई है। देखा जा रहा है कि हर इस चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने अपना अलग अलग जगहों पर सभा करना शुरू कर दिया है। वहीं योगी कैबिनेट में नए अलग अलग नेताओं को चुना गया है, ताकि 2022 का चुनाव वो बहुत ही अच्छे और काफ़ी मात्रा वोटों में जीत सके। इसीलिए भाजपा ने वहां पे बहुत ही तैयारियां कर रही है। भाजपा ही नहीं, देखा जाए तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी भी एक सप्ताह के दौरे पर यूपी में पहुंची और वहां पे अलग अलग जगहों पे सभा भी लगा रही है, ताकि लोगों से जुड़ी समस्याओं को भी सुन सके और उनकी समस्या को भी जल्द से जल्द समाधान कर पाए। वहीं अखिलेश यादव भी अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं अपने पार्टी के, ताकि लोगों से जान सके कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जिससे लोगों को उस प्रॉब्लम से निजात दिलाया जाए। अलग अलग पार्टियाँ वहाँ पे मायावती से लेकर हर पार्टी को देखा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए अपना जी जान कोशिश कर रही है। वहीं OBC को तर्क परखकर योगी कैबिनेट में नए नए मंत्रियों का स्वागत किया गया और नए नए मंत्रियों को बनाया गया, ताकि चुनाव में कोई भी परेशानी ना हो। यूपी चुनाव पे बड़े बड़े नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री के हर किसी की निगाह बनी हुई है, क्योंकि यूपी चुनाव बड़े ही महत्व रखता है प्रधानमंत्री को चुनने में, क्योंकि यूपी एक बहुत ही बड़ा राज्य है और यहाँ से अगर कोई भी पार्टी अगर भारी मात्रा में या भारी सीटों में जीतती है तो उसको निश्चित हो जाता है कि उस पार्टी के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी बात को लेकर यूपी के चुनाव में हर पार्टी अपना अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और लोगों से खास करके वहां के नेताओं बड़े बड़े नेताओं भी इस बात को काफ़ी ध्यान में रखकर आगे कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं। हर तरफ से यही देखा जा रहा है कि यूपी का चुनाव कैसे भी जीत लिया जाए। हर पार्टी चाहती है कि वो चुनाव जीते, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी पार्टी यूपी के सत्ता पे राज करेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और भी चुनाव से जुड़ी या राजनीतिक से जुड़ी या आम जनता से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।